हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और रोज़ वर्कशीट भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिलने वाली वर्कशीट नंबर 86, जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 13 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास वन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आप अपना सेक्शन लिख देंगे। अगर आपका सेक्शन ए है तो आप ए लिखेंगे और अगर आपका सेक्शन बी है तो आप बी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आप अपने टीचर का नेम। आज की वर्कशीट का टॉपिक है लेट्स काउंट, आओ गिने। तो बच्चों, आज हम मिलने वाले हैं पिंकी और राजू से। अपनी अलमारी की सफाई करते हुए पिंकी और राजू को अपनी कक्षा में बनाई हुई एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। इस तस्वीर को देखकर वे दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्होंने तस्वीर में दिखाई दे रही चीज़ों को गिना और उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी, ठीक है। तो पिंकी और राजू जब अपनी अलमारी की सफाई कर रहे थे तो उन्हें क्या दिखाई दिया, अपनी कक्षा में एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी और उस तस्वीर को देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उस तस्वीर में उन्हें कुछ चीज़ें भी दिखाई दी और उन दोनों ने क्या किया, उन चीज़ों को गिना और गिनने के बाद उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी। तो आइए पहले हम उस तस्वीर को देखते हैं। तो बच्चों, ये है वो तस्वीर। आपको भी इस तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि दोनों ने क्या क्या पंक्तियाँ लिखी हैं। क्या आप निम्न पंक्तियाँ सही संख्या लिखकर पूरी करेंगे? पहला देखिए, पेड़ पर डैश सेब हैं। बच्चों, आपको तस्वीर में एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा तो हमें ये बताना है कि इस पेड़ पर कितने सेब लगे हुए हैं। तो आइए हम इन सेबों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पेड़ पर कितने सेब हैं? 9, यानी कि 9 सेब हैं। तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। अगला देखिए, सड़क पर डैश गाड़ियाँ चल रही हैं। तो अब हमें ये बताना है कि सड़क पर कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम सड़क देखते हैं। तो बच्चों, ये है सड़क और ये है गाड़ियाँ। तो आइए अब हम इन गाड़ियों को गिनते हैं। 1, 2, 3। तो सड़क पर कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? 3 गाड़ियाँ चल रही हैं। अगला देखिए, तालाब में डैश बतके तैर रही हैं। अब हमको चित्र में देखकर ये बताना है कि तालाब में कितनी बतके तैर रही हैं। तो आइए गिनते हैं। ये है हमारा तालाब। 1, 2, 3, 4, 5। तो तालाब में कितनी बतके हैं? 5 बतके। तो बच्चों, ऐसे ही आपको ये नीचे वाले जो 3 पंक्तियां हैं इसमें सही संख्या भरकर इनको पूरा करना है। अगली वाली पंक्ति में आपको मेट्रो ट्रेन दिख रही होगी तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस चित्र में कितनी मेट्रो ट्रेन है और उसको आप यहाँ लिख देंगे। अगला है, मेट्रो के पुल में डैश खंबे दिख रहे हैं। मेट्रो के पुल में आपको कितने खंबे दिख रहे हैं उनको गिनकर आप यहाँ लिख देंगे। और लास्ट है, फूलों के डैश पौधे हैं। तो आप यहाँ पर इन पौधों को देख सकते हैं। आपको इन पौधों को गिनना है और जितने भी पौधे हैं उनकी संख्या को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, इस तस्वीर में ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें गिना जा सकता है? उनकी तस्वीर बनाकर या नाम लिखकर संख्या बताइए। तो बच्चों, हमने इस तस्वीर में बहुत सारी चीज़ों को पहले ही गिन लिया है। अब हमें ये बताना है कि उनके अलावा यहाँ पर ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि हम गिन सकते हैं। और गिनने के बाद आपको उसकी या तो तस्वीर बनानी है या फिर उसकी संख्या लिखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किन चीज़ों को नहीं गिना है वो देखिए। हम यहाँ पर पेड़ को भी गिन सकते हैं, है ना। तो पेड़ कितने हैं यहाँ पर? 1,
ठीक है, तो आप इसका तस्वीर भी बना सकते हैं और इसकी संख्या भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या गिन सकते हैं, हम गिन सकते हैं मेट्रो की खिड़कियाँ, मेट्रो में कितनी खिड़कियाँ हैं, और हम गिन सकते हैं मेट्रो के दरवाज़े, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी चीज़ें इसमें ढूंढनी है और हमें भी बताना है। बच्चों, हम पिंकी और राजू के कुछ और सवालों के जवाब भी देंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कौन कौन सी चीज़ें बराबर संख्या में हैं। तो आपको तस्वीर में देखकर ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बराबर संख्या में है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर 3 कार हैं। कितनी कार हैं? 3 कार, और उसके साथ साथ यहाँ पर 3 खंबे भी हैं, तो ये दोनों क्या है, बराबर संख्या में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कौन सी चीज सबसे अधिक संख्या में है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो बच्चों, ये सवाल आपको खुद से करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इन सारी चीज़ों को गिनेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी संख्या सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 5, कौन सी चीज़ सबसे कम संख्या में है। और इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो सबसे कम संख्या में है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप खुद से करेंगे। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आप वर्कशीट को बहुत अच्छे से कीजिएगा।